हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये सुबह के 8 बज रहे हैं और ठंड तो काफ़ी हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए भी, क्योंकि मैं दूसरा काम भी करती हूँ, इसलिए खाना और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही बना लेती हूँ। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है और चाय भी बना ली है। तो खाना मैं तो सिंपल सा आज बनाऊँगी, मसूर की दाल, जीरा राइस और आलू फ्राई। और उस दिन जो चाशनी बची थी ना, उसी का एक कोई सा भी सोच रही हूँ कुछ बना लूँ आज, तो आज वही बनाऊँगी। तो देखते हैं, आज पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर उसे भी बनाऊँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आलू छील रही हूँ। आलू है ना, नए आलू है, तो इसको छीलने में ज़्यादा वक्त तो लगता नहीं है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्का सा चाकू से रगड़िए तो है ना, अपने आप ही ये साफ हो जाता है। और यहाँ पे ना मिट्टी लगी हुई आलू बहुत आता है हमारे यहाँ, तो उसी को मैंने ये देखिए आलू साफ कर दिया और काट लिया है। और इधर जब तक मैं है ना वो आटा ले लेती हूँ, और आटे में ना ये मोइन के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो ये है ना, हमें जब उतना ही तेल मोइन डालना है जितना कि हमारा अच्छा से आटा में मिक्स हो जाए और हाथ से लड्डू बनाने से लड्डू बन जाए, तो इतना हमें उसमें मोइन डालना है। उसके बाद ये जो चाशनी मैंने बताया ना आपको कि उस दिन जलेबी बनाई थी, तो ये चाशनी बच गई थी, तो वही चाशनी है, तो उसी का मैं ये सोची यूज कर लेती हूँ, तो उसी का यूज कर रही हूँ। तो ये फिर ये मैंने है ना पूरी चाशनी इसमें डाल दिया, और इसका ये का आटा मतलब गूंद लूँगी। तो इसमें है ना पहले चाशनी के साथ मिला लेती हूँ, और उसके बाद इसमें पतीले को भी मतलब धो के और उसमें भी पानी डाल के थोड़ा थोड़ा, और फिर इसका एकदम बिल्कुल टाइट डो तैयार करना है। रोटी के आटे की तरह हमको नहीं गूंदना है, बिल्कुल टाइट डो होना चाहिए इसका, कि है ना उसका चाहे खस्ता एकदम खस्ता परत मतलब बन जाए। तो इसको देखिए ये बना के, और उसके बाद इसको रोटी की तरह बेल लेना। उसके किनारे फटते हैं लेकिन उससे कोई बात नहीं है, वो काटने में हमारे सब निकल जाएंगे। तो ये मैं है ना एक रोटी बना लेती हूँ पहले इसका, और उसके बाद फिर दूसरा, फिर उसी के तरीके से दूसरी एक रोटी और फिर बनाएंगे। तो ये है ना मतलब परतदार ऐसे तरीके से बनाने से ना परत परत वाले हमारी शक्करपारे बनेंगे। इधर मैंने ये रिफाइंड तेल रखा था तो वो डाल दिया, और ये देखिए ये फिर दूसरी रोटी बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा मैंने डाल दिया है, और इसके ऊपर है ना फिर वो जो पहले एक बनाई थी रोटी वो डाल देती हूँ, और उसको दबा करके और फिर है ना थोड़ा सा बेल लेते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये चक्कू से मैंने है ना थोड़े बड़े बड़े साइज में इसको शक्करपारे के काट लिए हैं। तो ये है ना मतलब परतों वाला शक्करपारा हो जाता है और बहुत खस्ता बनता है, तो मतलब इतना खस्ता रहता है कि मतलब छूने से ही टूट जाता है, ऐसा इतना अच्छा बना है ये शक्करपारा। तो ये देखिए ये मैं है ना काट रही हूँ, और इसके बाद है ना ऑयल उधर जब तक हमारा गर्म हो रहा था, तो ये देखिए कितना अच्छा शेप में कटा है हमारे शक्करपारे। और फिर है ना ये तेल गर्म हो चुका था, तो एकदम मीडियम आँच पर ये तेल हमारे रखना है, और उसमें ये शक्करपारे डालते हुए जाना है, और एकदम मीडियम आँच पर ही इसको अलटते पलटते हमें सेकना है जब तक कि ये थोड़ा हल्का ब्राउन कलर में ना हो जाए। तो ये देखिए ये मैं इसमें डाल देती हूँ, जितने ऑयल है उतना मैंने उसमें शक्करपारे सब डाल दिए हैं, और इसको धीमी आंच पर बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाऊंगी। तो जब तक ये तो धीरे धीरे हो रहा है, जब तक मैं दूसरी और जो भी है रोटियाँ वो और बना लूँगी। और इधर जब तक मैं ये देखिए हमारा कितने अच्छा कलर आ गया है शक्करपारे का, तो ये देखिए बिल्कुल खस्ता एकदम इतना क्रिस्पी बना था ना शक्करपारे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ये बनाइएगा शक्करपारे। और ये देखिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, और बाकी के जितने भी शक्करपारे जो बनाए हैं मैंने वो मतलब फिर और बना लूँगी। तो ये बची हुई चाशनी का इस्तेमाल किया है, देखिए कितना खस्ता बना हुआ है शक्करपारे, और जबकि अभी गर्म है, ठंडा होने पर ना वो और मतलब करारे हो जाते हैं। और इधर जब तक आलू फ्राई करती हूँ, तो मैंने है ना दो मिर्ची हरी डाल दी थी, क्योंकि मैं है ना ये आलू फ्राई में मिर्ची है ना मैं डाल देती हूँ, और वो मिर्ची ना मैं खुद खाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है आलू फ्राई में ये मिर्ची। तो उसके बाद मैंने ये बड़े बड़े थोड़े मिर्ची काट लिया, और इधर मैंने जब तक इधर दाल भी बना ली थी, तो दाल बघारने जा रही हूँ।
तो दाल में है ना लहसुन जीरा और लाल मिर्ची का पाउडर डाल के और उसका तड़का लगा दिया है। और इधर जब तक ये हमारा आलू फ्राई भी हो रहा है, तो आलू फ्राई में तो कुछ भी नहीं ज़्यादा सिंपल सा बनता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आलू में नमक हल्दी मिर्ची यही डालते हैं और कुछ भी मैंने इस मसाला नहीं डाला है इसमें, लेकिन ये भी बहुत क्रिस्पी बनता है। इधर ये देखिए शकरपारे जब मेरे ठंडे हो गए तब मैंने उसे है ना एक एयर टाइट डब्बे में इसे पैक करके और रख दिया है। जब भी इच्छा होगी अपन खा सकते हैं चाय के समय, सुबह में भी या शाम को भी। फिर ये जीरा राइस बनाने जा रही हूँ, तो इसमें है ना घी डाल दिया है मैंने और फिर इसमें जीरा डाल देंगे। तो घी डालने के बाद थोड़ा सा मैं एक चम्मच के करीब जीरा डाल दूँगी और उसके बाद चावल डाल दूँगी और उसे थोड़ा देर भूनना पड़ता है। तो उससे है ना जीरा राइस बनाने से बहुत स्वादिष्ट बनता है चावल, क्योंकि ध्रुव को ज़्यादा पसंद आता है और जीरा राइस बहुत खाता है। सिंपल अगर चावल बना दो तो वो नहीं खाता है, तो उसके कारण ही मैं ज़्यादातर जीरा राइस ही बनाती हूँ। तो ये देखिए ये चावल है, तो ये चावल मैंने एक गिलास चावल लिया है, तो मतलब मैंने डाल दिया और इस चावल को फिर पानी नहीं डालना है उसमें, अभी सिर्फ है ना चावल ही डाल दिया है और उसके बाद उसको है ना भूनना है थोड़ी सी देर के लिए। इसको है ना फ्राई कर ले मतलब भून देंगे कुकर में और उसके बाद एक गिलास में है ना डेढ़ गिलास के करीब मैंने ना पानी डाल दिया है और नमक डाल के और बंद कर दिया। तो ये हमारे बहुत अच्छा खिला जीरा राइस तैयार हो जाएगा। तो ध्रुव को तो ज़्यादा पसंद यही सब है और मैं खाना है ना एक ही बार मैं सुबह बना लेती हूँ, दोपहर में मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि ठंड का समय है और ज़्यादा मतलब समय भी नहीं, लोग एक ही बार खाते हैं जब तक मैं शाम हो जाती है, तो इसीलिए सब चीज़ बनाना एक ही समय बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये तैयार, तो ये देखिए ध्रुव आप लोगों को खिला रहा है। आज तो उसका फेवरेट खाना बनाए, उसे बहुत पसंद है जीरा राइस दाल और साथ में ये आलू फ्राई। उसे कुछ भी पूछो कि क्या बनाए तो बोलेगा सिर्फ जीरा राइस दाल और आलू फ्राई बनाने के लिए। तो अब वो खाने जा रहा है, देखिए और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हाँ फेवरेट है ना इसीलिए। हाँ। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना तो बन चुका है और अब मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और इसके बाद अब मैं पूजा करूँगी, उसके बाद ही दूसरे कामों में फिर लगूँगी। जैसे कि मेरा काम तो सिलाई करना ही है, तो मैं सिलाई करूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर ना भूलिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ कल फिर से, तब तक के लिए बाय।